गुरुवार की रात जहां पूरे हरियाणा में नाइट डोमिनेशन प्रो एक्सरसाइज वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, वहीं मेवात नू जिले के बिछौर थाना प्रभारी मलखान सिंह और उनके पुलिस कर्मियों ने भी होटल नगीना रोड पर रात भर नाकाबंदी कर आवाजाही वाहनों की चेकिंग के साथ पेट्रोलिंग गश्त भी लगाया गया। बिछौर थाना प्रभारी मलखान सिंह ने कहा कि वैसे तो बढ़ते अपराध को रोकने के लिए हर रोज आवाजाही वाहनों की चेकिंग की जाती, लेकिन आज पूरे हरियाणा में डीजीपी एसपी वरुण सिंगला और उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार नाइट डोमिनेशन प्रो एक्सरसाइज वाहन चेकिंग के दिशा निर्देश दिए गए ताकि रात्रि में होने वाले अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। मलखान सिंह ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी सूरत क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी प्रकार का क्राइम हो, चाहे साइबर क्राइम का मामला हो या ओवरलोड का मामला, हर अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। मलखान सिंह ने कहा कि जो भी लोग उन्हें संदिग्ध दिखते हैं उसकी हम जांच करते हैं और उसका एड्रेस लेते हैं और गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है। बिछौर थाना प्रभारी मलखान सिंह ने रात भर मोर्चा संभाला और नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग चलाई। आने जाने वाले संदिग्ध लोगों को, संदिग्ध वाहनों को हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी कोई संदिग्ध है उसकी हम जांच करते हैं, उसका एड्रेस जानते हैं, गाड़ी नंबर नोट करते हैं और जो भी हमें संदिग्ध लगता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर कोई आपराधिक मामलों में संलिप्त मिलता है तो हम उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। वी न्यूज के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।